यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस इस वाले वीडियो में कोई गेम प्ले नहीं कर रहा। तो गाइस ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो हो गाइस, जो बना है माइनक्राफ्ट 1.7 पे। गाइस बहुत से लोग हैं जो यानी पीसी में जावा में 1.17 जो भी हो गाइस 1.717 वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। तो गाइस उसका डाउनलोड प्रोसेस कैसे करना है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। चले गाइस, मैं तो क्या बोलूँ, मेरा हिंदी बहुत वीक है गाइस। मैं बहुत बहुत ट्राई कर रहा हूँ गाइस मेरे हिंदी इम्प्रूव करने का, तो हो जाएगा गाइस कभी ना कभी। जो भी हो गाइस, तो मेन बात पे आते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो गाइस। और गाइस डिस्क्रिप्शन में जाके जाने से पहले जो भी चैनल पे नए आए हो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो गाइस। आप बहुत ही कम इंसान जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो 100 में 10% ही सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं। गाइस मैं नहीं कर रहा, यूट्यूब कह रहा है। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल को दबा दो गाइस, डोर के बेल को नहीं गाइस, इस वाले बेल नोटिफिकेशन को गाइस दबा दो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको क्या करना है गाइस, डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट ऑप्टोफाइन 1.17 जो माइनक्राफ्ट का नया गाइस सबसे बेहतर केव्स अपडेट तो फर्स्ट ही आया। जो भी हो गाइस, तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले आप अपना जो भी मनचाहे ब्राउज़र हो वो यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मेरा फेवरेट तो क्रोम ही है। तो गाइस लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके क्लिक करो तो डायरेक्ट आपको यही जगह आएगा। तो आपको यही पे 1.16.5 एक है, अरे 1.17। तो गाइस एक प्लस वाले नोटिफिकेशन को दबा देना है, नोटिफिकेशन नहीं है, गाइस प्रीव्यू वर्शंस यहाँ पे प्रेस करना है प्लस। तो गाइस अब पहले वाले गाइस 21 ऑप्टोफाइन एसडीयू G9 PRD 21 गाइस, पहले वाले एयर 20 है, 21 है गाइस, एक ही दिन का एयर 21 बेहतर ही होगा गाइस, तो डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस मैं भी अब तक आप सबको दिखाऊंगा उस लिए डाउनलोड नहीं किया। तो गाइस मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक किया। तो गाइस डाउनलोड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको या ऐसा चला आएगा गाइस। यहाँ पे इस कोन पे आप देखो स्किप वाला बटन है, स्किप, तो इस स्किप को हम दबा देंगे। तो गाइस यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्टोफाइन G9 डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो गाइस हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए गाइस डाउनलोड बटन पे क्लिक किया। तो गाइस लोडिंग में ले रहे हैं। तो गाइस मेरा लोकल डिस्क सेफ में रखूँगा तो ठीक ही है। तो गाइस सेव करते हैं। तो गाइस ये देख ही पा रहे हो मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस ये देख ही पा रहे हो आप मेरे डाउनलोड, शो इन फोल्डर कर लेते हैं। तो गाइस मेरा लोकल ओ प्रीव्यू गाइस गाइस मिल चुका। मैंने ख्याल मैं ध्यान से नहीं देखा। तो गाइस लोकल लिक्स में जाते हैं, सॉरी गाइस, सॉरी हैरान करने के लिए। गाइस प्रीव्यू ऑप्टोफाइन गाइस देख ही पा रहे हो, प्रीव्यू ऑप्टोफाइन 1.17 गाइस, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। गाइस गाइस देख ही पा रहे हो, ये है ऑप्टोफाइन 1.17 HD अल्ट्रा गाइस। जो भी हो गाइस, तो गाइस इसके ऊपर राइट क्लिक करना है गाइस, ओपन विथ पे अब जाना है। ओपन विथ गाइस देख ही पा रहे हो, ओपन विथ, तो गाइस ओपन विथ पे दबा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास गाइस जावा है। आप बहुत से लोगों के पास जावा नहीं भी हो सकते हो भी सकते हो, होने के चांसेस ज़्यादा है गाइस। तो गाइस जिसके पास भी जावा नहीं है उसके प्रोसेस जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ गाइस, तो इसको इंस्टॉल हम बाद में करते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में कैंसिल कर देते हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन में फिर जाओगे वहाँ पे जावा डाउनलोड जावा का लिंक भी मैं दे रहा हूँ गाइस, चेक करो जावा का। तो गाइस लिंक लिंक के ऊपर प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस डाउनलोड जावा फॉर माइनक्राफ्ट आपका कितना है, 32 बिट है या 64 बिट है। 32 बिट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउनलोड जावा विंडोज 64 बिट ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे ओएस के लिए भी है, iOS यानी एप्पल के लिए भी है, iOS 32 ओएस सब कुछ है यहाँ पे। तो गाइस हमारा तो 64 है,
वैसे चेक कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ वो आपको। वैसे उसके दिस पीसी में जाना, दिस पीसी पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाना, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद गाइस सॉरी मैं बातों बातों में ज़्यादा ही आ गया वैसे अब प्रॉपर्टीज़ में जाना। जाने के बाद गाइस अब यहाँ पे देखो हमारा विंडोज़ हमारा कितना बीट को कितने गाइस ये देख ही पा रहे हो गाइस ब्लू कलर का 64 बीट हमारा है। ऐसे भी आप ही चेक कर सकते हो। तो गाइस जो बोल रहा था डाउनलोड जावा फॉर विंडोज़, इसको प्रेस करने के बाद आपको डाउनलोड अपना आप ही हो जाएगा गाइस। मेरे पास IDM है उसलिए इस ऑप्शन को दिखा रहा है। गाइस डाउनलोड करने के बाद आप सेटअप पे क्लिक कर दोगे आपको अपने आप ही से कंप्यूटर डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना। तो गाइस ये काम भी हो गया, गाइस कैंसिल कर देते हैं। तो गाइस अब हम ऑप्टोफाइन 1.7 को डाउनलोड करेंगे। तो गाइस ऑप्टोफाइन 1.70 नया वाला को डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल माइनक्राफ्ट मेरा जो लॉन्चर है वो मैं अब ओपन करके आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो गाइस थोड़ा सा वक्त लेगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे लेटेस्ट स्नैपशॉट है और दो मोड वर्शन है और दो अरे मेन चीज़ ये सबके पास होगा गाइस, देख ही पा रहे हो लेटेस्ट रिलीज। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस लास्ट रिलीज को दबा देना है। लास्ट रिलीज को दबा के गाइस एक बार जस्ट प्ले बटन पे क्लिक कर देना है गाइस। इस लास्ट रिलीज सबके अंदर है नहीं है तो क्या करोगे। तो गाइस यहाँ पे सबको टिक मार्क करके आप लेटेस्ट स्नैपशॉट आ जाएगा, इसको प्ले कर दोनों में एक प्ले कर देने से हो जाएगा गाइस 1.7 लास्ट रिलीज। इसको एक बार प्ले करने से क्या होगा गाइस, आपका जो नया इतना अपडेट आया है 94 MB का, 94 नहीं गाइस ज़्यादा ही होगा पर 94 MB फर्स्ट ऑफ ऑल लेगा गाइस। तो इसको दबा के गाइस एक बार प्ले कर देना है तो आपको डाउनलोड जो भी अपडेट आए वो सब ले लेगा। फिर गाइस फिर का प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ। फिर आप लॉन्चर को कट कर देना, क्रॉस कर देने के बाद एक दो बार रिफ्रेश कर लेना आपका मर्जी गाइस। अब इसके ऊपर एक क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विथ करना है ऑप्टोफाइन 1.7 के ऊपर गाइस। ओपन विथ करने के बाद यहाँ पे जावा आ गया सिलेक्ट। ओके हम ओके पे प्रेस कर देंगे गाइस। अब देख ही पा रहे हो यहाँ पे तो मैंने बोला ही था ऑटोमेटिक सब सिलेक्ट हो गया गाइस। अब इसको इंस्टॉल करना है गाइस। इंस्टॉल गाइस पहले आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं तो ग्लिच बताएगा, नहीं इंस्टॉल करने से रुक जाएगा गाइस, प्रॉब्लम हो सकती है उसलिए वो करना ज़रूरी है गाइस। मैंने तो कर लिया उसलिए मैं तो एक बार कर चुका, टाइम लगेगा थोड़ा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है उसलिए मैं इसको स्किप कर दिया था। तो अब गाइस इंस्टॉलेशन में जाते हैं गाइस। अब इसके ऊपर इंस्टॉल प्रेस कर देता है गाइस। तो गाइस आप यहाँ पे देख ही रहे हो कुछ ही सेकंड के अंदर ऑप्टोफाइन सक्सेसफुल इंस्टॉल गाइस आप देख ही सकते हो गाइस। मैं आपको लॉन्चर के अंदर जाके भी दिखा दे रहा हूँ गाइस। सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड, हम ओके पे प्रेस कर देंगे गाइस। हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम यहाँ पे माइनक्राफ्ट शॉर्टकट्स पे जाते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो गाइस यहाँ पे 1.70 या सिलेक्ट हो गया गाइस 1.70 HDU गाइस देख ही पा रहे हो। ऑप्टोफाइन इंस्टॉलेशन पे भी जाते हैं गाइस, देख ही पा रहे हो ऑप्टोफाइन। तो गाइस आपको अब क्या करना है, प्ले के ऑप्शन में जाके गाइस प्ले पे यहाँ पे गाइस ऑप्टोफाइन तो सिलेक्ट है गाइस, अब प्ले करना है 20-22 MB और अपडेट ले लेगा गाइस, बहुत जल्दी हो जाएगा गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए गाइस गेम चला के दिखा दे रहा हूँ और क्या क्या नहीं आए वो भी सब दिखा दे रहा हूँ गाइस। माइनक्राफ्ट में लॉन्च कर चुका हूँ गाइस, तो लोडिंग ले रहा है जस्ट। तो गाइस मैंने अब तक भी नहीं डाउनलोड किया था, आप सभी को ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। तो गाइस देखो कुछ दिन पहले इसका इंटरफेस पूरा नेदर था क्योंकि लास्ट वाला अपडेट 1.16 वो नेदर का था गाइस। अब इसका अपडेट कैसा हो गया गाइस एक बार जस्ट देखो गाइस, लुक कितना अच्छा हो गया गाइस। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता गाइस, मुझको तो बहुत अच्छा लगा, मैं यार क्या बताऊँ। तो गाइस मैं तो सिंगल ही हो गाइस उसलिए सिंगल प्लेयर ही दे रहा हूँ। तो गाइस किसका वर्ल्ड चला है गाइस बोलो गाइस। मेरा एक वर्ल्ड है क्रिएटिव में बनाया था
तो गाइस उस वाले वर्ल्ड पे चलो सब रिवील करते हैं गाइस, सब तो नहीं, कुछ कुछ नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस हम वर्ल्ड को दिया, तो गाइस देखते हैं कैसा है। गाइस लोडिंग ले रहा है, कुछ देर तो लेगा ही, इतना सोलो जो भी हो गाइस अब हो रहा है, जो भी हो। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा गेम यहाँ लोड हो चुका है गाइस। तो हम फर्स्ट वेदर चेंज करते हैं, क्योंकि गाइस बारिश माइनक्राफ्ट में मेरे उसको बहुत कम पसंद है। पर गाइस इस बार बारिश के मौसम में भी बहुत कुछ होने वाला है गाइस। मैं बोल रहा हूँ कॉपर जो है उसका हम थंडर जितना भी पड़ेंगे हम कॉपर से ले सकते हैं गाइस। तो गाइस बहुत कुछ करेंगे हम हमारा एक सर्वाइवल सीरीज भी क्रिएट करेंगे। तो गाइस हमारा डॉगी देख ही सकते हो गाइस, रात होने को आई है तो हम दिन बना देते हैं हैशटैग टाइम गाइस। इस कोट्स को आप याद भी रख सकते हो, मुझको तो सब याद है। तो गाइस हम टाइम करके सेट करके डे कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे दिन हो चुका। तो गाइस अब मैं आपको कुछ नया चीज़ दिखाना चाहता हूँ, नया चीज़ मतलब इस वर्ल्ड में मैंने बनाया। तो गाइस यहाँ पे ये जो आयरन फार्म है, और गाइस इसका पीछू जो है ये टेक्नो गेमर्स का है, दोनों फार्म ही टेक्नो गेमर्स का है गाइस। मैंने यहाँ पे भी बना दिया, ये शुगर केन फार्म है गाइस। मैं बहुत कुछ भूल जा रहा हूँ गाइस। तो गाइस अब हम गाइस इसका सेटिंग चेक करते हैं, सेटिंग में नया क्या क्या आया। ऑप्शन में जाके वीडियो ऑप्शन में जाते हैं गाइस। ब्राइटनेस ठीक ही है, चंक्स ठीक ही है, फास्ट ग्राफिक्स गाइस कुछ ऐड नहीं। सैडर्स का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो चुका है गाइस, मालूम नहीं क्यों। ऑप्टोफाइन 16 में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था, मेरे पास एक सैडर्स है गाइस BSL, आप तो जानते ही हो। तो गाइस हम सब भी देख ही पा रहे हो, यहाँ पे गोट मैंने स्पॉन कर दिया है। तो गाइस गोट का एक मेरे पास है, तो गाइस ये देखो गाइस गोट, गाइस न्यू मॉब मेरा माइनक्राफ्ट में। गाइस गोट के बाद आता है गाइस ये वाला प्राणी, इसका नाम मैं नहीं जानता वैसे भी। ये बाहर भी रहता है, पानी में रहता है, तो गाइस मैं इसको बाहर पे स्पॉन कर देता हूँ। तो गाइस देख ही पा रहे हो ये ऊपर है। तो गाइस ये ओरिजिनल एक मॉब है, जो भी होगा गाइस। तो गाइस देख ही पा रहे हो ये पानी में जा रहा है, तो गाइस बहुत धीरे से चल रहा है, ये सब मॉब्स को मारता है पानी में, जो है उसको उछाल के फेंकता है। ट्रेलर में मैं देखा था। तो गाइस इसको डीप ओशन में डीप तो गाइस देख ही पा रहे हो मछलियों को मारता है। येलो एक और कलर का भी है, एक मछली और है, इधर स्पॉन कर देता हूँ। गाइस देख ही पा रहे हो मछलियों को मारता है, एक नीचे से स्पॉन कर देता हूँ। गाइस मजा आ रहा है, जो भी हो गाइस और बहुत कुछ भी है गाइस, जैसा कि क्रिस्टल हो गया, शेल्ड हो गया, जो भी हो मेरा फेवरेट है स्पाई ग्लासेस गाइस। वहाँ पे एक गोट देख पा रहे हो आप, तो गाइस ये देखो गाइस कितना जूम हो रहा है, गाइस कितना दूर है गाइस। वहाँ पे लाल फ्लावर देख रहे हो गाइस, कितना जूम हो गया आप देख सकते हो गाइस, बहुत जूम है गाइस। वहाँ पे एक गोट है गाइस, देख ही पा रहे हो गाइस कितना, ये ऑप्टोफाइन से ज़्यादा जूम करता है गाइस। ये देखो ऑप्टोफाइन का जूम, और ये देखो इसका जूम गाइस, कितना अच्छा लगता है गाइस। ऐसे कॉपर है गाइस, ये थंडर स्टॉर्म वाला मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ए तीन 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 छः मैं बना लेता हूँ जैसा हिसाब से। तो गाइस देख ही पा रहे हो यहाँ पे, मैं इसको प्लेस कर देता हूँ प्लेस। अब मैं वेदर को चेंज करता हूँ, तब भी
गाइस वेदर चेंज करने के बाद क्लियर थंडर कर देता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं, चलिए गाइस यहाँ पे थंडर गिर सकता है, और भी थोड़ा पीछे हो जाता हूँ देखने में। गाइस देख ही पा रहे हो एक थंडर यहाँ पे पड़ चुका है। तो गाइस ऐसे ही बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इस वाले वर्जन में है गाइस। तो गाइस मैं और कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत कुछ दिखाना है और आप सभी को एक्सप्लोर भी करना है, उस लिए गाइस मैं और क्या बताऊँ, मुझको और कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस अब मैं क्या बोलूँ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, और जिसने भी वीडियो को लाइक अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय। We'll be right back.